गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज दवासिस मिश्रा, आई एम फ्रॉम ओडिशा बलांगीर। और आज हम फाइसोस्टिग्मिन और न्योस्टिग्मिन के बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी लेंगे। तो आगे बढ़ते हुए आप इस चित्र को देख सकते हैं। जब भी एसिटिलकोलिन रिसेप्टर पे बाइंड होता है तब तब हम पारासिम्पाथेटिक एक्टिविटी शो करते हैं, यानी इस एसिटिलकोलिन की जगह कोई भी ड्रग हो सकता है, जैसे मेथेकॉर्पिन, पाइलोकॉर्पाइन जो प्यूपिल के लिए होता है, एसिटिलकोलाइन, बेथेनोकॉल जो ब्लैडर के लिए होता है, मेथोकॉर्पाइन वो मायोकार्डियम के लिए होता है, कोई भी ड्रग हो सकता है अगर एसिटिलकोलिन रिसेप्टर को बाइंड हुआ और पारासिम्पाथेटिक एक्टिविटी शो किया तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्टिंग। जबकि कोई और इन ड्रग को मतलब एसिटिलकोलिन रिसेप्टर कम्प्लेक्स को तोड़ने के लिए इस्टर होता है, और अगर हम इस्टर को उसका काम करने नहीं देंगे यानी एंटीकोलिन एस्टरेज यूज करेंगे तो ये जो एसिटिलकोलिन है एसिटिलकोलिन रिसेप्टर कम्प्लेक्स को बाइंड कर सकता है। इसलिए इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग, क्योंकि हम इनडायरेक्टली मदद किए किसी का। तो कोलिनर्जिक ड्रग दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट एक्टिंग, दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग में आएगा पाइलोकॉर्पाइन जो प्यूपिल और मेथेनोकॉल जो मायोकार्डियम के लिए यूज होता है और एसिटिलकोलाइन, वेरेज इनडायरेक्ट एक्टिंग में आएगा एंटीकोलिन एस्टरेज। एंटीकोलिन एस्टरेज दो प्रकार यानी दो विभाग में भक्त है राइट मतलब इसका दो डिविजन्स हैं, एक होता है रिवर्सिबल, दूसरा होता है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में आता है एक्रिनाइड और टोरिन, और एक होता है कार्बामेट। कार्बामेट के अंदर आता है पाइरिडोस्टिग्मिन, फाइसोस्टिग्मिन, न्योस्टिग्मिन, डोनेप्राजिल, गैलेक्टामाइन। और जबकि इरिवर्सिबल में ऑर्गेनोफॉस्फेट आता है, जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं। अभी फाइसोस्टिग्मिन और न्योस्टिग्मिन में बहुत ही सरल सा अंतर है। फाइसोस्टिग्मिन सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, यानी ये स्वयं एक लिपिड सोल्यूबल ड्रग है, और ये इसका ये मतलब है कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर सकता है। और जबकि न्योस्टिग्मिन क्रॉस नहीं कर सकता, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एक्ट करता है, जबकि फाइसोस्टिग्मिन बॉडी पे लंबे समय तक रहता है, उसका इफेक्ट जो होता है बहुत ही लंबे समय तक रहता है, इसलिए इसका एफिशिएंसी और पोटेंसी बहुत ही अच्छा है। और ये जो है फाइसोस्टिग्मिन ये ग्लाउकोमा या फिर आई कॉन्स्ट्रिक्शन में काम आता है, जबकि न्योस्टिग्मिन माइस्थेनिया ग्रेविस ट्रीटमेंट में काम आता है। और फाइसोस्टिग्मिन एक टर्सियरी एमोनियम कंपाउंड है, जबकि न्योस्टिग्मिन एक क्वार्टनरी एमोनियम कंपाउंड है। तो आज के लिए बस इतना ही विस्तृत तरह से जानकारी हुआ। हम अपने श्रृंखला को आगे बढ़ाते रहेंगे। आज का टिप ऑफ द डे है दोस्तों कि जब भी पेशेंट को माइस्थेनिया ग्रेविस हो तो हम उसको सदैव न्योस्टिग्मिन का सेवन कराएंगे, ना कि फाइसोस्टिग्मिन का। इसे नोट कर लीजिए दोस्तों। तो आगे हम फिर इस श्रृंखला को कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।